हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों मैं जावेद, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्दियों को मौसम में फिशिंग करने वाला बाइट। ठीक है, ये बाइट बहुत ही कारगर है, आप इस्तेमाल कीजिए। अगर इसमें दोस्तों नहीं लगा फिश तो बहुत मुश्किल है, इस सर्दियों में फिशिंग करने में बहुत मुश्किल है। ये बाइट फिशिंग फ्लॉट के लिए सिर्फ है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। और अभी जो देख रहे होंगे बहुत सारे फिशरमैन, जितने भी शिकारी हैं वो नॉर्थ साउथ में वो लोग फिशिंग कर रहे हैं। उधर का मौसम गर्म है दोस्तों, उधर में फिशिंग हो रहा है। हम लोगों का जो एरिया है, हिंदी वाला एरिया जितना है, कर्नाटक, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये जितने भी स्टेट है, इधर बहुत मुश्किल है। इधर बहुत ज़्यादा सर्दी है, दिल्ली, पंजाब, ये एरिया में बहुत सर्दी ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों को फिशिंग नहीं हो रहा। आप देख रहे होंगे जैसे आप चरई करते हैं, ठीक है, तो चरई के पास में आपका मच्छी आ रहा है लेकिन हुक नहीं हो रहा है, खा नहीं रहा है, हुक में बंसी में खा नहीं रहा है। और वहाँ पे चराई में खूब बुझबुझी देख रहे हैं, बुझबुझी निकल रहा है बहुत सारा, और वहाँ पे बुलबुले निकल रहे हैं, उछल भी रहे हैं मच्छी, लेकिन खाएगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बाइट लेके आया हूँ, आप लोग इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ आपका 15 रुपये में 500 का मच्छी पकड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्यार से मच्छी जब खाएगा, हुक हो जाएगा, तो प्यार से खिला खिला के निकालना है, क्योंकि छोटा हुक है, छोटा हुक में ज़्यादा ताकत लगाएंगे, मुँह फट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं एक और बात बताता हूँ। जैसे हमारे एक भाई कमेंट किए हैं सर्दियों के मौसम का बाइट के लिए, कि आप बताइए, नौका आशीष भाई हैं, वो कमेंट किए हैं कि हमको सर्दियों का बाइट बताइए। तो ये आपके लिए भी है और हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनके लिए भी है। तो चलिए देर नहीं करते, मैं बना के आपको दिखाता हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, आप भी वैसे बनाइए और दोस्तों वीडियो स्किप नहीं कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप वीडियो स्किप नहीं कीजिए, भगा भगा कर नहीं देखिए। ठीक है दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो आप पूरा देखिए। ये हमें अंडा ले लेना है, उससे पहले मैं दूसरा चीज़ आपको बताता हूँ। हमें ले लेना है 1 चम्मच शहद, ठीक है, 1 चम्मच शहद ले लेंगे, हम स्पॉट पे लेके जाएंगे। ठीक है, और उसमें हम पानी यूज करने वाले हैं, और इसमें हम 1 चम्मच शहद ले लेंगे, पानी यूज करेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा बिरयानी कलर डाल देंगे। ठीक है, बिरयानी कलर डाल देंगे, शहद हो गया, बिरयानी कलर हो गया, इसको हम बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पॉट पे ही जाकर हम करेंगे, इसको साइड करते हैं, आगे हम बताते हैं आपको। ये हमें आप पूरा दिन शिकार करना है या कितना देर शिकार करेंगे उसके हिसाब से आप ले लेंगे। हम ये 2 अंडा मैं उबाल लिया हूँ, आप 10 मिनट का अंडा उबालेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं उबालेंगे। ठीक है, ये अंडा ले लेंगे हम, इसको उबाल लेंगे, इसका छिलका निकाल देंगे स्पॉट पे। तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग को, बहुत उधर आप हम लोग हिंदी वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, इसके लिए फिशिंग नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है फिशिंग करने में। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बाइट बनाया हूँ। ये अंडा का हम छिलका उतार लिए, 2-3 अंडा आप जितना चाहे उतना उबाल लेंगे। ठीक है, इसको हम कटिंग कर लिए हैं, ये लाल वाला हिस्सा हमें निकाल देना है, ये नहीं चाहिए। ठीक है, उसको हम छोटा छोटा टुकड़ा काट लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर फट रहा है तो हम छोटा टुकड़ा लगाएंगे, इसको हटा देंगे। देखिए छोटा टुकड़ा आपका नहीं फटेगा, इसमें टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ठीक है, सिंगल हुक, डबल हुक, ये देखिए छोटा छोटा टुकड़ा लगाएंगे तो फटेगा नहीं, एकदम आसानी से जैसे हुक होगा हम लोग खाएगा खींच देंगे, हुक हो जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें 7 नंबर ही हुक लेना है, और छोटा छोटा टुकड़ा फिर से मैं आपको लगा कर दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा लेने से फट जा रहा है, तो हम छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा लगाएंगे, ये देखिए बस, इसको भी हम निकाल के आपको दूसरा लगा के दिखा रहा हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा नहीं फटेगा,
देखिए एकदम आसानी से हम लगा लेंगे, और दो हुक में या डबल हुक में भी फिशिंग कर सकते हैं, सिंगल में भी कर सकते हैं। सिंगल में लगा के आपको दिखाता हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा हम काट लेंगे, ठीक है। और इसमें अगर दोस्तों फिशिंग नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल है फिशिंग करना। आप सर्दियों जैसे फरवरी मार्च अप्रैल में हम लोग देखिए सिंगल में भी लगा सकते हैं, इतना शानदार है। और इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम लगाया और ये जो शायद और कलर हम लोग तैयार किए हैं इसमें डिबो के फिर हम पानी में फेंक देंगे। जैसे पानी में जाएगा ये रंग फैलेगा, मछली सोचेगा ये क्या आ गया, फिर ये दौड़ के खाने के लिए आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ऐसी फिशिंग करेंगे, डबल में कर रहे हैं तो इसको भी ऐसे डुबा लेंगे, अहू को फेंकेंगे, ये मीठा भी है आएगा तो थोड़ा चखेगा, फिर खाने की कोशिश करेगा, फिर हम हुक से मार के मच्छी को आराम से खिला के खींच लेंगे, ठीक है। तो शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स।